ये छोड़ दे, जान दे जान दे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। दिस इज ब्लॉग 2। आशा करता हूँ ब्लॉग पहला वाला ब्लॉग आ गया होगा, अगर मैंने डाला है तो। इंटरनेट का इश्यू मेन है, इलेक्ट्रिसिटी का इतना इश्यू है नहीं। 12-16 घंटा आता है। आई एम लुकिंग नाइस। आई एम स्टिल डाइसी कि मैं अपलोड करूँ कि नहीं करूँ। अगर ब्लॉग आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो बटन। आप अगर मोटिवेट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो ना हर ब्लॉग को, तो आई विल मेक श्योर कि मैं अपलोड करूँ। एक्स्ट्रा डेटा लेके, एक्स्ट्रा GB जहाँ से भी मिलेगा सब ढोल झपाटा करके आई विल मेक श्योर कि मैं ब्लॉग अपलोड करूँ। बाल बिना कहा बोला? अरे बाल बोला था कि इतने बाल मामूली बाल रखे, छोटा बाल अपने पे अच्छा ना लागत। अरे शूटिंग हरदम रहते है, जब शूटिंग करे बढ़ा ले कर। थोड़ा मिठाई शॉपिंग, स्वीट शॉपिंग ना, कैमरे में थोड़ा मिठाई लेके जाएंगे दादाजी के, दादी के लिए। और अब मतलब 7 साल बाद हम लोग कुछ तो जा रहे हैं, वहाँ पे बांटने के लिए भी मिठाई चाहिए। देखो देखो, इज्जत का कचरा ही कर दे। एक तो बुढ़ाऊ जाते हैं कहीं, कहते हैं सांझ हो गया होता है। हाँ देख ना, मैं ना समझे ना, है ना, देख ना सामान रख के मिलता हूँ। सो दिस इज माय बंगला, मैं हूँ गाइस। आज के लिए बस इतना ही रखना है, मिलता हूँ मैं आपको कल नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, आई लव यू। ये उठे, उठ 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 उठ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आई होप आपको व्लॉग 1 पसंद आया होगा, अगर मैंने अपलोड कर दिया है तो, बिकॉज आई एम स्टिल थोड़ा डाइसी, यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा इशू है, तो आई एम नॉट श्योर कि अगर मैं हर व्लॉग हर जैसे मेरा पीरियड है वैसे अपलोड करूँगा कि मुंबई आके करूँगा। लेट्स सी हाउ इट गोज, अगर अपलोड हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो भी वेल एंड गुड, मुंबई आके एक साथ पूरा डाल दूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल अपने व्लॉग 1 का थोड़ा एडिट बचा है वो करने। आई एम प्लानिंग टू अपलोड इन अराउंड 1:30 or 2। गांव आने के बाद एक्सपेक्टेशन क्या था, रियलिटी? साड़ियों में भालू है। तो गाइस ब्लॉग 1 एडिट हो चुका है, आई होप कि मैं 2 बजे तक उसे अपलोड कर दूं। क्या बोला था, होए अपलोड? हमें एक जियो छोड़ के किसी का नेट नहीं आ रहा, और जियो से 1.5 GB अगर मैंने वही अपलोड कर दिया तो नंगा क्या, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये वाली हालत हो जाएगी। लेट्स सी हाउ इट गोस, मैं मिलता हूं आपको जब भी कुछ नया कुछ दिखाने लायक मिला तो। हाँ बाद में गाड़ी में अच्छा,
हिंदी में बोल रही कहीं की भोजपुरी ना। तो क्या हुआ, कल हम लोग आ रहे थे अलाहाबाद से, हमको भी आना था और दादाजी एक्साइटमेंट में हम लोग को लेने के लिए सुबह निकल गए 6 बजे तक। और कल मेरी बुआ का, जो पापा की बहन होती है बुआ, उनका बर्थडे भी था। तो मोस्टली क्या होता है, दादी जी को दादाजी को सबका बर्थडे रात को 12 बजे, तो सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह कॉल करने। एक्साइटमेंट में दादाजी निकल गए तो घर पे फोन नहीं, ना नानी फोन नहीं कर पाई। और उसके बाद दादाजी हम लोग को लाने के चक्कर में उन्होंने भी कॉल नहीं किया, और हम लोग यहाँ पे आने के एक्साइटमेंट में हम लोग ने भी कॉल नहीं किया। तो बोल रहे तुम लोग सब लोग मुझे भूल गए। तो अभी वही दादाजी मना रहे उनको। डायरी लिखी था ना हमसे, डायरी में हम काका किए के मिले, तो हम वही डायरी वीडियो में बनाई ना कि हम काका किए दिन भर, फिर ओके कुल कट शट करके एडिट करके यूट्यूब पे अपलोड करी था। अगर साड़ी देखा उन्हें अम्मा का साड़ी है अच्छा लगता ना। तो मैं आपको अपना गांव तो दिखा दिया, ऐसे तैसे जितना दिखा सकता ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा घर। दिस इज निर्वाणा, तो हमारे गांव का निर्वाणा है ये। द टीवी रूम, यहाँ पे लाइक गेस्ट रूम बोल सकते हैं इसे। यहाँ पे हम तीनों सोते हैं, टीवी भी है। द मेन आंगन ना, द पैसेज है चाचा चाची का रूम, मतलब अभी वो भी नहीं आ रहा है तो इसलिए इसको भी स्टोर रूम की जैसा बना दिया। दिस इज द स्टोर रूम, द प्रॉपर स्टोर रूम, ये मतलब एक्चुअल ये रूम स्टोर रूम के लिए बनाया गया ना। ये है मम्मी पापा का रूम, एज यू कैन सी ये थोड़ा क्लीन है क्योंकि यहाँ पे अभी मम्मी पापा रह रहे हैं। प्रॉपर एवरीथिंग, उसमें से ओल्ड कपड़े, इसमें इफ यू सी तो ये सब गद्दे अलमारी वगैरह। दिस इज द किचन, लाइट थोड़ा। द वॉशरूम, दिस इज प्रॉपर एक मंदिर। इस मैसिव टेरेस, दिस इज द बैक साइड टेरेस, और ये फ्रंट साइड है। शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि हमारा है एक मैकेट। द फ्रंट यार्ड, यहीं से अभी शुरू होना। और एक रूम यहाँ पे भी है, दिस इज ऑल्सो लाइक अ स्टोर। यहाँ पे कुछ तो कोई तो रूम बनने वाला था लेकिन बाद में काम बंद हो गया, पता नहीं क्यों। अगर हाँ अच्छा हाँ याद आए, ऐसे याद आए। तो क्या होता था, हम लोग गर्मी में जब यहाँ पे आते थे बारिश के मौसम में, जून जुलाई में आते थे, तो बारिश होने लगता था, तो रात को अचानक में पूरा सब लेके नीचे भागना पड़ता था। तो उससे बचने के लिए दादाजी ने यहाँ पे रूम बना लिया। जून जुलाई में आएंगे तो साफ होगा, अभी कुछ बारिश नहीं है तो। सो दिस इज द निर्वाणा। ये छोड़ दे, जान दे जान दे। मैं सुबह 1 बजे से व्लॉग अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने मेरी स्टोरी देखी रहेगी तो उसमें 5 GB है, अभी तक हुआ है सिर्फ 2 GB। आगे के सारे व्लॉग्स 1080p 60 फ्रेम्स में आएंगे, 4K में एक भी व्लॉग नहीं आएगा। क्वालिटी नहीं गिरेगा बिल्कुल भी, क्वालिटी अच्छा ही रहेगा, सिर्फ 4K की जगह पे 1080p 60 फ्रेम पे रहेगा। अपलोड करने में बहुत हालत खराब हो जाता है और मैं नहीं चाहता कि ये सीरीज मैं छोड़ दूं, मुझे सीरीज को प्रॉपर एक डायरेक्शन देना है, एक एंड देना है। तो आज के दिन में कुछ भी ज्यादा खास नहीं था, सबसे मिला जुला, लोगों से बातें की, थोड़ा टाइम लैप्स लिया, थोड़ा नेचर का वाइब लिया।
शक्कर शुगर को इसमें से इसमें इसमें और उगांगा एक और बड़ा बॉक्स था उसमें कुछ करने को ही नहीं है। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखना है। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया रहेगा तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया रहेगा। अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं इसमें लाइट दिख रहा हूँ, डार्क दिख रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करना है। पहला ब्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, सिर्फ 2 GB अपलोड हुआ है। क्या कैसे होगा, आई ट्राई टू अपलोड इट एज सून एज आई कैन। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा।